हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू minusmanu.com। आज की वीडियो है किड स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट सैंडविच। जैसे कि बच्चों के अभी समर वेकेशंस हुई हैं, तो आप अगर घर में बच्चों के लिए ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो उन्हें जरूर पसंद आएगी। ये रेसिपी बच्चों के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन अगर बड़े भी चॉकलेट लवर्स हैं तो ये रेसिपी डेफिनेटली उनको भी पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। चॉकलेट सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, चॉप की हुई चॉकलेट्स, चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स, अनसॉल्टेड बटर। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरी इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज minusmanu को भी जरूर लाइक करें। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ किड स्पेशल चॉकलेट सैंडविच, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बस 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगाएंगे। इसके लिए हमने अनसॉल्टेड बटर यूज किया है। अगर आपके बच्चे ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं खाते हैं तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। अब हम ब्रेड के ऊपर चॉप की हुई चॉकलेट लगाएंगे। इसके लिए आप कंपाउंड चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी ले सकते हैं और उसको चॉप करके ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चॉप की हुई ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। इसके लिए आप किशमिश, बादाम और काजू ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमने एक सैंडविच मेकर लिया हुआ है, जिसको हमने 2 से 3 मिनट पहले ही प्री हीट किया हुआ है। अब हम इस सैंडविच को इसके अंदर रखेंगे और सैंडविच मेकर को बंद कर देंगे। हमारा चॉकलेट सैंडविच बनके रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक कटर की हेल्प से या फिर एक शार्प नाइफ की हेल्प से हम सैंडविच को कट कर लेंगे। चॉकलेट सैंडविच बनके एकदम तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करें और अपनी पिक्चर्स हमारे ग्रुप में शेयर करें। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।